अब जिस रिश्ते की शुरुआत ही झूठ पट की हो, जाहिर सी बात है कि ये रिश्ता जो है बड़े ही उबड़ खाबड़ रास्ते से निकलने वाला है। लेकिन क्या करें, अब यही मेकर्स चाहते हैं और यही चाहती है ध्वनि। तभी तो वो वेदांत के साथ अपने रिश्ते की शुरुआत इन्होंने झूठ की नींव पर ही की है। क्या करे जब किसी को किसी से प्यार हो जाए। अब यहाँ तो हालत ऐसी है कि ध्वनि को हो गया है प्यार और वो बस चाहती है किसी तरह वेदांत बस उसका हो जाए। तभी तो आज उसने तय कर लिया है कि वो सारी हदें पार कर लेगी और वेदांत को अपना बना लेगी। इसीलिए तो उसने ऐसी चाल चली है कि बेचारा वेदांत ध्वनि के इमोशनल जाल में फंसता चला जा रहा है। और तो और उसे ये तक नहीं पता कि ये सोची समझी चाल है। एक्चुअली होता है ना कि जब आप किसी से प्यार करते हो तो फिर आपको उसका झूठ और झूठ भी सच लगने लगता है। तो वही सीन है वेदांत के साथ, क्योंकि ध्वनि जो कर रही है उसे ऐसा लग रहा है कि ये सच कर रही है, उसे सच में गिल्ट है जो उसने किया हर चीज़ के लिए। तो वो ये बोल रही है कि यार मैं तो अंधी हो गई थी प्यार में तुम्हारे, इसलिए सब चीज़ कर दी। तो वेदांत को ऐसा लग रहा है कि यार उसी की वजह से ये सब चीजें हो रही है। अब देखिए कहानी में तो वेदांत और स्वरा की सगाई होने जा रही है और ऐसे में ध्वनि नहीं चाहती है कि स्वरा वेदांत की सगाई हो। बस फिर क्या, सोशल मीडिया के जमाने में इससे अच्छा अत्याचार क्या हो सकता है कि आप किसी चीज को करने की कोशिश करें और वो चीज आपके चाहने वाले तक पहुँच जाए। अब इसी बात का तो फायदा ध्वनि उठा रही है, तभी तो वेदांत तक ये मैसेज पहुँच गया है। ध्वनि ये सब ड्रामा क्रिएट करती है कि वेदांत उसकी साइड ले ले, क्योंकि आज हमारी इंगेजमेंट है। तो ये सब ड्रामा इसलिए है कि वेदांत इंगेजमेंट ना करें और ध्वनि के पास चला जाए। अभी वेदांत प्यार में तो ध्वनि से है, अब देखते हैं कि क्या होता है। वाह वाह ध्वनि, आपने क्या चाल चली है। इतने सारे हथियार का इस्तेमाल करना तो कोई आपसे सीखे, और जो तीर आपने छोड़ी है वो ठीक वेदांत के दिल पर आ लगी है। और तो और अब वेदांत आपके झांसे में भी आ गया है। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि स्वरा और ध्वनि के बीच वेदांत आखिर किसको चुनेगा। मुंबई से सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।